हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS PO और IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। IBPS PO का एग्ज़ाम अक्टूबर में है, प्री जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में है, और IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम दिसंबर में उसका प्री होगा और नवंबर में उसका मेंस एग्ज़ाम होगा। तो सभी बैंक के एग्ज़ाम्स में इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल रहा है इस समय। काफ़ी नए पैटर्न के क्वेश्चंस और अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहता है इन सभी क्वेश्चंस में, लेकिन उसका पैटर्न जो है उसको पेश करने का जो तरीका है वो बैंकिंग एग्जामिनर्स के द्वारा अलग अलग तरीके से दिया जाता है। तो इस वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि बैंकिंग एग्जाम्स में इंग्लिश के जो ट्रिकी क्वेश्चन हैं, नए पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं या कनेक्टर्स के जो क्वेश्चन हैं, उनको 4 या 5 सेकेंड में आप किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है, ये 4 सेकेंड जो फार्मूला है, ये बेस्ड है लॉजिक पर और कीवर्ड्स पर, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सपोज ये क्वेश्चन है, और इस पूरे वीडियो क्लास में मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो प्री और मेंस के रियल क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो आप ये पूरी तरीके से निश्चिंत हो सकते हैं कि यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो रियल क्वेश्चन हैं, और आप देख सकते हैं ये सारे बैंकिंग एग्जाम के रियल क्वेश्चंस हैं। अब स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को करते समय क्या करता है कि पूरा पढ़ता है वो इसको, यहाँ से ग्रीस से लेके मार्केट तक वो पूरा पढ़ेगा, और पढ़ने में काफ़ी टाइम उसका निकल जाता है। उसके अलावा फिर स्टूडेंट ये भी सोचता है कि उसको ये सारे जो वर्ड मीनिंग दिए हैं, ये सारे वर्ड मीनिंग उसको आने चाहिए यदि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता है तो। लेकिन ऐसा नहीं है, जो एग्जामिनर होता है वो केवल ये देखना चाहता है कि आपके अंदर इंग्लिश को समझने की समझ है या नहीं, ठीक है। वो एग्जामिनर या कोई भी व्यक्ति आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इस पूरे सेंटेंस को आप समझ पाएंगे, ये सारे मीनिंग्स आप समझ पाएंगे, और यहाँ पर जो मीनिंग्स दिए हैं इसके भी मीनिंग आपको पता होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना नॉलेजेबल नहीं हो सकता, इतना इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता उसको ये सारी चीज़ें पता हो। लेकिन यदि आप ट्रिक अप्लाई करते हैं और लॉजिक अप्लाई करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ग्रीस यूरो जोन क्रेडिटर्स अग्रीड इन जून टू ए कंडीशनल ऑफ डेट रीपेमेंट टर्म। देखिए, थोड़ा सा तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे क्रेडिटर जो होते हैं जो लोन देते हैं, ठीक है, क्रेडिटर जो लोन देते हैं, तो ग्रीस यूरोजोन क्रेडिटर एग्रीड इन जून टू ए कंडीशन ऑफ डेट रीपेमेंट टर्म्स। अब देखिए किस चीज़ पर एग्री हुए, क्रेडिटर जो है वो एग्री हुए किस चीज़ पर एग्री हुए। यहाँ पर एक टर्म दिया है, यहाँ पर एक कीवर्ड दिया है, डेट रीपेमेंट टर्म। जो कर्जा हम लेते हैं उसको हम रीपे करते हैं, उसको हम चुकाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिटर एग्री किस चीज़ पर हुए होंगे, वो एग्री हुए होंगे या तो, देखिए कर्जा चुकाने की जो टर्म्स होती हैं उसको कोई भी हार्ड नहीं करना चाहेगा, बैंक भी उसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना चाहेगी। यदि बैंक हार्ड करना चाहेगी तो फिर तो वो लोन दे ही नहीं पाएगी। तो लोन चुकाने के जो टर्म्स हैं उसको क्रेडिटर हमेशा फ्लेक्सिबल या सॉफ्टन करना चाहेंगे, उसको थोड़ा सा नरम रखना चाहेंगे। तो मैंने आपको ये कीवर्ड बताया कि रीपेमेंट टर्म्स, डेट ऑफ रीपेमेंट टर्म्स जो हैं इसको कोई भी क्रेडिटर सॉफ्ट करना चाहेगा। तो यहाँ पर सॉफ्टनिंग से ये रिप्लेस हो सकता है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि 4 वर्ड दिए हैं, जैसे कंडीशनल दिया है, एग्जॉस्टेड दिया है, इनरवेट दिया है, इम्पोवेवरिस दिया है। इन चारों वर्ड्स को इन 4 बेटर वर्ड्स से आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सॉफ्टनिंग आ गया, आप देखिए इंक्लूडिंग एग्जॉस्टेड मैच्योरिटी पीरियड। तो मैच्योरिटी पीरियड के स्थान पर यहाँ पर एग्जॉस्टेड की जगह कौन सा वर्ड आ सकता है, एक्सटेंडेड, क्योंकि यहाँ पर चूंकि हम सॉफ्टनिंग की बात कर रहे हैं कि जो पेमेंट टर्म्स हैं, जो लोन रीपेमेंट टर्म्स हैं, उनको थोड़ा सा नरम किया जाए, उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, और इसके साथ ही जो मैच्योरिटी पीरियड है उसको भी एक्सटेंड किया जाए, तो ये दोनों वर्ड आपस में मेल खा रहे हैं, ठीक है। तो इसका 100% आंसर सेकेंड ही होगा, लॉजिकली यदि ये देखा जाए तो सेकेंड ही होगा। अब आगे के जो 2 टर्म्स हैं, बफर और ईज, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि 2 आपने ऑप्शन निकाल लिए तो आपको श्योर हो जाना चाहिए कि इसका यही आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करते हैं तो 4 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर एक्यूरेसी के साथ आप निकाल सकते हैं। और जैसे प्री एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं, मेंस एग्जाम में 35 या 40 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आप आराम से 20 में से 20 क्वेश्चन तक आप आराम से आप स्कोर कर सकते हैं इस फॉर्मूले को आप अपनाते हैं तो।
देखिए, अब हम इसको देखते हैं। कवालिस्ट बिलीव गॉड्स सेल्फ सेक्रीफाइस क्रिएटेड अ डाउस यूनिवर्स। अब देखिए यहां पर कीवर्ड क्या है, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स जो है वो कैसा हो सकता है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम वर्ड देखेंगे। यूनिवर्स चरण तो हो नहीं सकता, एनर्जेटिक हो नहीं सकता, केवल वो परफेक्ट और फॉर्चुअस हो सकता है। फॉर्चुअस का मतलब है एक्सीडेंटल। तो यूनिवर्स जो है वो एक्सीडेंटल नहीं हो सकता, इसके भी चांसेस कम है, परफेक्ट हो सकता है, ठीक है? तो परफेक्ट के चांसेस यहां पर आंसर के बन रहे हैं। इसके आगे का एक ऑप्शन हम और देख लेते हैं। बट दैट द शेटरिंग ऑफ गॉड्स वेसल मार्क्स द फर्स्ट। देखिए यहां पर एक वर्ड आया प्लंज, यानी थर्ड में। देखिए यहां पर हम बोल रहे हैं फर्स्ट प्लंज फ्रॉम पैराडाइज इंटू एरेट। तो प्लंज जो वर्ड है उसके साथ हम फ्रॉम और इनटू प्रपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। उसके पहले फ्रॉम आता है और उसके बाद इनटू आता है। तो यहां से इसका आंसर जो जो थर्ड ऑप्शन है, इसके आंसर बनने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। हमने पहले देखा कि यूनिवर्स के साथ परफेक्ट वर्ड आ सकता है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो परफेक्ट है, उसमें सारी टाइमिंग और जो जो मूवमेंट होते हैं वो परफेक्ट तरीके से होते हैं। तो यूनिवर्स निश्चित रूप से परफेक्ट है और ये प्लंज वर्ड भी वहां पर फिट हो रहा है। तो ये देख के मैंने इसका जो आंसर निकाला वो ये निकाला। अब देखिए पूरा सेंटेंस मैंने नहीं पढ़ा, ना ही सारे मीनिंग हमें पता है कि डाउस क्या होता है, डॉन्टिंग क्या होता है, इमर्स क्या होता है, रेट क्या होता है, और सही आंसर इसका मैंने निकाल दिया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये है द हाउस ऑफ साउथ वुड ऑल्सो डू वेल। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, डू वेल करने का काम कौन करता है, किसी चीज में डू वेल, ये हम किसके लिए बोलते हैं, ये हम किसी व्यक्ति के लिए बोलते हैं। तो कुल मिला के यहां पर जो भी लिखा है वो एक व्यक्ति को रेफर कर रहा है, चाहे कुछ भी लिखा है लेकिन वो एक व्यक्ति को रेफर कर रहा है, ठीक है? टू अडॉप्ट, अडॉप्ट भी हम व्यक्ति के लिए लगाते हैं, ठीक है? लेस डेट्रीमेंटल लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल कैसी हो सकती है, लाइफ स्टाइल के साथ कौन कौन से वर्ड जा सकते हैं। लाइफ स्टाइल डायफेनस नहीं हो सकती, लाइफ स्टाइल इक्विवोकल नहीं हो सकती, लाइफ स्टाइल गैस एम्बर नहीं हो सकती, लेकिन ऑस्टेंटेशियस लाइफ स्टाइल हो सकती है। ऑस्टेंटेशियस लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा दिखावा किया जाता है। तो लाइफ स्टाइल के साथ केवल यही वर्ड जा सकता है, ठीक है? हम सेकंड भी देख लेते हैं। सेकंड देखिए, इरेज द स्क्वेलिड रियल और इमेजिनरी। अब रियल और इमेजिनरी जो है वो क्या हो सकता है, वो एक व्यक्ति का जो परसेप्शन होता है, वो सोचने का जो तरीका होता है, वो रियल और इमेजिनरी हो सकता है। तो परसेप्शन वर्ड भी यहां पर फिट हो रहा है, ऑस्टेंटेशियस वर्ड भी यहां पर फिट हो रहा है, इसका आंसर होगा फोर्ड। इस तरीके से यदि आप करते हैं तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और यही जो पैटर्न है ये मैं अपने मेरे जो ऑनलाइन ई कोर्सेज में उसमें बहुत डिटेल में ये सारी चीजें मैं बताता हूँ, और इसीलिए हमारे जो ई कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको सफलता मिलती है और फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता मिलती है सभी बैंकिंग एग्जाम्स में, ठीक है? देखिए यहां से एक क्वेश्चन और देखते हैं। द इंडियन प्रॉपर्टी सेक्टर मस्ट प्रोएक्टिवली अडॉप्ट। अडॉप्ट से पहले प्रोएक्टिवली लगा है, मतलब एडॉप्ट तो करना चाहिए लेकिन प्रोएक्टिवली करना चाहिए। अडॉप्ट क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले एडवर्ब लगा हुआ है, तो एडवर्ब का प्रयोग यहां पर सही हुआ है। सच प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव, इनिशिएटिव जो है वो प्रोग्रेसिव हो सकते हैं, ठीक है? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स हो सकते हैं। तो कुल मिला के सारे वर्ड जो दिए हैं यहाँ पर ये पूरी तरीके से सही हैं, और यहाँ पर आंसर होगा इसका नो करेक्शन रिक्वायर्ड। देखिए कितना टाइम लगा आपको, 4 सेकंड में ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया और इसका आंसर आपने निकाल दिया। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो रैंकर्स होते हैं और जो टॉपर्स होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं वो इसी तरीके से स्टडी करते हैं और इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उनको सफलता मिलती है। लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं और बिना किसी स्ट्रेटजी के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सफलता मिलना बैंकिंग एग्जाम में बहुत मुश्किल है। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगी और क्वेश्चंस को इस तरीके जो 4 सेकंड आंसर फार्मूला मेरा है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी जिस तरीके से दूसरे स्टूडेंट्स को सफलता मिल रही है। देखिए ये एक ऑफर कोर्स है, एक टारगेट बैच मैंने लॉन्च किया है, श्योर सिलेक्शन टारगेट बैच। ये IBPS क्लर्क के लिए है और इसमें मैं पूरा आपको प्री का इंग्लिश और मेंस का इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ठीक है? और इसको यदि आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको कुछ फ्री ऑफर्स भी मिलेंगे, कुछ चीज़ें फ्री भी आपको मिलेंगी, लेकिन ये फ्री ऑफर जो रहेगा ये केवल शुरुआत के जो 50 स्टूडेंट रहेंगे उन्हीं के लिए रहेगा। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए थोड़ा सा।
और इसमें फ्री क्या रहेगा, अड्डा 247 की एडवांस टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी जिसमें वीडियो सॉल्यूशंस दिए रहे हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज जो है ये बैंक पीओ और बैंक क्लर्क दोनों के लिए ही एक बनाई गई है, ठीक है। और इसमें वीडियो सॉल्यूशंस के साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, और इसमें अपनी ऑल इंडिया रैंक भी आप चेक कर सकते हैं। 6 ई-बुक आपको फ्री दी जाएंगी, इसमें 2500 हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं और बैंकिंग अवेयरनेस बूस्टर के पीडीएफ आपको दिए जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें फ्री, केवल 50 जो स्टूडेंट्स रहेंगे शुरुआत के उन्हीं को ये फ्री ऑफर मिलेगा, अदरवाइज इस फ्री ऑफर के बिना आप बाद में भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे इसकी कोर्स प्राइस जो है वो 4,950 है, लेकिन इसको केवल 1,950 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ रहती है, लेकिन हम इसमें 1 साल की वैलिडिटी आपको देंगे, 6 मंथ इसमें फ्री वैलिडिटी देते हैं। कोर्स जो कंप्लीट हो जाएगा प्री और मेंस दोनों का, वो दिसंबर से पहले हो जाएगा। दिसंबर में आपका प्री होगा, लेकिन उससे पहले आपका प्री और मेंस का जो कोर्स है वो कवर हो चुका होगा, जो सिलेबस है वो कवर हो चुका होगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो इन नंबर्स पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस कोर्स को आप मोबाइल पे भी चला सकते हैं, लैपटॉप और पीसी पे भी चला सकते हैं, और ये पूरा कोर्स डिटेस्ट पैटर्न पर आधारित होगा। और इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को 4 सेकेंड आंसर फॉर्मूला के आधार पर समझाया है, एक क्वेश्चन को 4 सेकेंड में आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये है आगे का क्वेश्चन, और इसमें मैंने एक फिलर का क्वेश्चन लिया है, और सारे क्वेश्चन ये रियल क्वेश्चंस हैं, ये ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो बनाए गए हैं, सारे रियल बैंकिंग क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पर 3 फिलर दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इस आंसर में, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो फर्स्ट और सेकंड में आना चाहिए, और थर्ड जो जो सेकंड जो ऑप्शन है, मतलब इसमें जो सेकंड जो ऑप्शन दिया है वो थर्ड में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ही हैज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए, ही इज ऑकवर्ड स्टूपिड एंड बूरिश। एक व्यक्ति यदि ऑकवर्ड है, स्टूपिड है और बूरिश है, रूड है, तो वो कैसा हो सकता है, वो यहां पर आएगा, ठीक है। तो मॉक नहीं हो सकता, क्योंकि मॉक एक वर्ब है, यहां पर एक नाउन आपको चाहिए। यहां पर ध्यान से देखिए, आपको एक नाउन चाहिए। ही हैज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए, देखिए यहां पर ए लगा हुआ है, ए इसका मतलब यह है कि यहां पर आपको नाउन चाहिए, क्योंकि हम नाउन से पहले ही ए लगाते हैं। ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं इन क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ठीक है। अब नाउन देखिए, मॉक नाउन नहीं है, वेनिडेट नाउन नहीं है, ये सारी वर्ब हैं, स्टर्न नाउन, स्टर्न एडजेक्टिव है एक्चुअली, ठीक है। स्टर्न का मतलब होता है कठोर, लाउड ट्रेम्बल का अर्थ होता है कांपना, ठीक है। ये चारों ऑप्शन मैंने निकाल दिए, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, लाउड, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें, और देखेंगे कि इसमें ये आंसर सही जा रहा है कि नहीं। ओनली द लॉक्ड गेट एंड गार्ड हाउस, मतलब यहां पर आपको एक ऐसी वर्ब चाहिए जिसमें एस नहीं हो। एनीथिंग मोर, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट हो गया, ओनली द लॉक्ड गेट एंड गार्ड हाउस। अब यहां पर आपको वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, ठीक है। यहां पर आपको वर्ब चाहिए, और वर्ब कौन सी है, लॉक्ड गेट एंड गार्ड हाउस। तो यहां पर एक्चुअली ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉक्ड गेट और गार्ड हाउस किसी चीज को इंडिकेट कर रहे थे, किसी चीज के बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो इंडिकेट करने के लिए जो वर्ड है वो है बी स्पीक, तो बी स्पीक भी यहां पर सही लग रहा है और लाउड भी सही लग रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा 4। अब देखिए, आपको या किसी भी स्टूडेंट को, ज्यादातर स्टूडेंट को इन सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सही आंसर आपको निकाल के बताया, और मैंने ये करके बताया कि एज ए ले मैन स्टूडेंट, मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, या वो हिंदी मीडियम का है, या इंग्लिश में वो वीक है, वो भी इस तरह के क्वेश्चंस को करके इनमें अच्छा स्कोर वो कर सकता है। तो और ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपको प्रूव करके बताई है। चलिए अभी कुछ और क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब इसको देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर आर ऑल्सो केपेबल ऑफ कैटेस्ट्रॉफिक एक्सीडेंट। कैटेस्ट्रॉफिक एक्सीडेंट मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है, तो एक्सीडेंट के साथ कैटेस्ट्रॉफिक लगाना यहाँ पर सही है, ठीक है। एज विटनेस्ड इन फुकुशिमा एंड चेरनोबिल, सिंगल न्यूक्लियर डिजास्टर कैन, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। एक सिंगल न्यूक्लियर डिजास्टर जो है वो कंटेमिनेट कर सकता है, प्रदूषित कर सकता है किसको, काफी बड़े ट्रैक्ट्स को, तो ट्रैक्ट्स भी यहाँ पर सही है, ठीक है। एंड एरियाज, एरियाज के साथ, एरियाज दो तरह के होते हैं, इनहैबिटेबल और अनइनहैबिटेबल, तो एरियाज के साथ भी ये वर्ड जा रहा है यहाँ पर। पूरा सेंटेंस मीनिंगफुल लग रहा है, इन वर्ड्स के साथ पूरा सेंटेंस मीनिंगफुल लग रहा है, इसका मतलब इसमें आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है,
और यहां पर आंसर होगा आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है। अब यहां पर आप लगाएंगे, जैसे एक्सीडेंट के साथ आप फ्यूरियस लगाते हैं, तो फ्यूरियस का एक्चुअली फ्यूरियस का यूज होता है व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में होता है उसके साथ हम फ्यूरियस वर्ड लगाते हैं, तो एक्सीडेंट के साथ ये वर्ड नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ऐसे भी कर करके आप देख सकते हैं, एक्सीडेंट के साथ ए फील्ड नहीं जा सकता, एंटोमाइज नहीं जा सकता, रेज नहीं जा सकता, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि एक फर्स्ट वर्ड के साथ कौन सा वर्ड जा सकता है। तो इस तरीके से इनके आंसर्स आपको निकालना है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलता है, क्वेश्चन बहुत लेंथी और ट्रिकी होते हैं, पढ़ने में काफी टाइम लगता है, तो यदि आप इस फॉर्मूला को, मेरा जो फॉर्मूला है 4 सेकेंड आंसर फॉर्मूला, इसको आप अप्लाई नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए स्कोर, एक अच्छा स्कोर करना। द यूनाइटेड स्टेट इज, अब देखिए इज लगा है यहां पर, तो यहां पर आपको आईएनजी फॉर्म चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट इज ए एन से रिलेटेड एक वर्ड आ सकता है, डिसडेन एंड टू नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। देखिए ये हमें एक कॉमन सेंस है कि हमें पता है कि यूनाइटेड स्टेट चाहता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को खत्म कर दे। ये न्यूज में भी आता रहता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के जो मिस्टर किंग हैं और किम हैं, वो इस तरह के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट चाहता है कि वो उसको खत्म कर दे। तो ये तो एक जनरल सा सेंस है, यदि आप न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ते हैं तो यूनाइटेड स्टेट इज, तो यहां पर एक ऐसा वर्ड चाहिए, वॉन्टिंग, आस्किंग, सीकिंग, इस तरह का वर्ड चाहिए यहां पर आपको। तो देखिए इसमें सीकिंग एक वर्ड दिया है, ठीक है, तो सीकिंग के आगे हम देख लेते हैं यहां पर एंड टू नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। लेकिन एंड तो वो चाहता है, यूनाइटेड स्टेट एंड तो वो चाहता है, लेकिन एंड कैसा होना चाहिए, एंड नेगोशिएटेड होना चाहिए, कि नेगोशिएट कर लें कि ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे और यूएस ऐसा नहीं करेगा, तो उसका एंड जो होगा वो नेगोशिएटेड होगा, ठीक है। तो नेगोशिएटेड वर्ड यहां पर सही लग रहा है, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम एंड यूएस ऑफिशियल बिलीव देयर वॉज सम, यूएस ऑफिशियल बिलीव मतलब यूएस के ऑफिशियल मानते हैं कि देयर वॉज सम डिसेंशन, मतलब कुछ डिसएग्रीमेंट था इन द मिलिट्री अबाउट किम्स अप्रोचेज। देखिए ये भी वर्ड यहां पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये चारों ऑप्शन यहां पर सही हैं, ठीक है, और श्योर श्योर इसका आंसर होगा सेकेंड। मतलब यहां पर आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं मतलब प्रूव कर सकते हैं कि यहां पर यही आंसर होगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा। तो बैंकिंग एग्जाम में ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए, अपने आंसर को प्रूव करना आपको आना चाहिए, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स हो, अपने आंसर को आप प्रूव कर सकें कि मैंने जो आंसर लगाया है वो सही है और इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ। यदि ये सिचुएशन आपकी आ जाती है तो बैंकिंग एग्जाम में दुनिया की कोई ताकत आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको लॉजिक, कॉमन सेंस और प्रैक्टिस की जरूरत होगी और सही स्ट्रेटजी आपको फॉलो आपको करनी होगी। जैसे यहां पर हम देखते हैं, रिसर्चर्स फोकस्ड ऑन द एजिंग ऑफ स्ट्राइफ इंटर न्यूरोन्स हमारी बॉडी में होते हैं, वो कैसे हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक वर्ड आएगा। देखिए अब यहां पर हम मान के चलते हैं कि इंटर न्यूरोन जो है क्लमसी तो हो नहीं सकते, एक रेट नहीं हो सकते, इनहिबिटरी हो सकते हैं, इनहिबिटरी जो जन्म से हुए हैं, जो जन्म से आए हैं, ठीक है, तो इनहिबिटरी यहां पर हो सकता है। लेकिन सेकंड को हम देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या है, सेकंड ऑप्शन में विच इज लेस वेल अंडरस्टूड दैट द एक्साइटरी न्यूरॉन्स बट पोटेंशियली मोर क्रूशियल। हाँ, पोटेंशियली वर्ड आ सकता है इसमें, मतलब वो ज्यादा क्रूशियल हैं, पोटेंशियली और ज्यादा क्रूशियल हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, अगर आप श्योर नहीं है दो तक तो फिर तीसरा पढ़िए आप, की टू लर्निंग। अब देखिए लर्निंग के साथ इनेबलिंग वर्ड आ सकता है, क्योंकि हम लर्निंग को इनेबल करते हैं, ठीक है। और सेंसरी के साथ एक्यूटी वर्ड आ सकता है, क्योंकि सेंसर जो है वो एक्यूट हो सकते हैं, तो यहां पर आपका थर्ड ही इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो सारे मैंने लॉजिक बताया कि किस तरीके से इन आंसर्स को आपको करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक इसको देख लेते हैं, एम्फेसाइजिंग अ स्पेस प्रोग्राम एज अ एन प्रीडोमिनेंस व्हाइल फेलिंग टू हाईलाइट द मल्टीपल फेलिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया मेक्स अ, देखिए एम्फेसाइजिंग अ स्पेस प्रोग्राम एज अ यहां पर देखते हैं, चलो इसको देख के इसको हम लगा के चलते हैं, एज एन ऑब्जेक्टिव
वाइल फेलिंग टू हाईलाइट द मल्टीपल फेलिंग्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। देखिए यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, फेलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ की फेलिंग की बात कर रहे हैं। फेलिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया मेक्स आ, अब यहाँ पर ए लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आपको नाउन चाहिए, और मेक के साथ कौन सा वर्ड जा सकता है, मेक के साथ मॉकरी वर्ड जा सकता है, क्योंकि हम बोलते हैं मेक अ मॉकरी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की हंसी उड़ाना, तो मॉकरी वर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, द डिसीटफुल ऑब्जेक्ट ऑफ विच, किसी चीज का लक्ष्य, तो किसी चीज का लक्ष्य यहां पर कैसा हो सकता है, डिसीटफुल नहीं हो सकता, वो प्रिंसिपल हो सकता है, मेन उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य, तो प्रिंसिपल भी यहां पर सही जा रहा है। ठीक है, और लाइफ जो है वो कैसी होती है, वो होती है वैल्यूबल, तो वैल्यूबल वर्ड भी यहां पर सही जा रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए यहां पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। आपने देखा मैंने किस तरीके से बताया, और यहां पर इस आंसर को मैं प्रूव कर सकता हूं कि यही सही आंसर होगा। ऐसे नहीं कि मैंने केवल ऐसे ही बता दिया कि ये आंसर होगा, मैं सारे ऑप्शंस को यहां पर प्रूव कर सकता हूं कि यही आंसर होगा, यही ऑप्शंस सही होंगे, और यही सिचुएशन आपको होनी चाहिए कि आप आंसर्स को प्रूव कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट यहां पर आपका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हॉब्स मटेरियलिस्टिक फिलोसफी, फिलोसफी जो है वो मटेरियलिस्टिक हो सकती है, वॉज बेस्ड ऑन, देखिए फिलोसफी किसी चीज पर बेस्ड होती है, तो फिलोसफी जो वर्ड है वो यहाँ पर सही वर्ड है। ठीक है, यानी इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है तो बाकी के तीन वर्ड्स को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर होगा आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि फिलोसफी जो है, फिलोसफी मटेरियलिस्टिक, देखिए मटेरियलिस्टिक के आगे आप नाउन लगाएंगे कोई भी, मटेरियलिस्टिक एक एडजेक्टिव है और इसके आगे आप यहाँ पर एक नाउन ही लगाएंगे, फिलोसफी एक नाउन है। ठीक है, लेकिन बाकी सारे वर्ड देखिए ये नाउन नहीं है, बिसीच वर्ब है, इनुई एडजेक्टिव है, सिबलिंग नाउन है। ठीक है, लेकिन मटेरियलिस्टिक सिबलिंग नहीं हो सकता, चैरिटेबल नहीं हो सकता, ये एडजेक्टिव है। तो आपको थोड़ा सा ये भी देखना होता है इन क्वेश्चंस में कि किस वर्ड के साथ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, कहाँ पर नाउन आएगा, कहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, कहाँ पर एडवर्ब आएगा, ये भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। और इस तरीके से करते हैं तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। और इस तरह का जो ट्रिक है, मेरा जो 4 सेकेंड आंसर फॉर्मूला है, इसको बहुत डिटेल में मैं अपने ई कोर्सेज में पढ़ाता हूँ, और उसको यदि आप अप्लाई करते हैं, मेहनत से आप तैयारी करते हैं, तो श्योर श्योर आपका सिलेक्शन बैंकिंग एग्जाम्स में हो सकता है। तो हमारे ई कोर्सेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इनको ई कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।